दोस्तों, ये हमारे हैं जी बेबी सनरोज़। गर्मी स्टार्ट हो गई है, अप्रैल भी स्टार्ट होने वाला है। आज है जी मार्च की 21 मार्च 2024, और हम आज अपने इस पॉट के अंदर जो हमारा एक वर्टिकल टॉवर का एक रहिया है जी हमारा पॉट, तो हमने चाहा कि इसके अंदर हम बेबी सनरोज़ को लगा दें। खाली पड़ा था तो बहुत अच्छा प्लांट है, बहुत खूबसूरत से फूल आते हैं जी, छोटे छोटे रेड कलर के। तो इसको हम डाल रहे हैं जी इस पॉट के अंदर। मिट्टी कैसी होनी चाहिए जी बेबी सनरोज़ के लिए? नॉर्मल आपको गार्डन सॉइल लेनी है, जिसके अंदर 50% आपकी गार्डन सॉइल होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आप 50% जो आपकी मिट्टी, आधी मिट्टी, उसके अंदर आप तीनों चीज़ें मिला दीजिए बराबर बराबर। कोकोपीट मिला लीजिए इसके अंदर, ठीक है, और गाय के गोबर की खाद आप इसके अंदर मिला लें, और थोड़ा सा रेत भी इसके अंदर मिला के एक अच्छा वेल ड्रेन्ड सॉइल मिक्सचर कर लेंगे तैयार, ठीक है जी। और इसको हम कर देंगे जी फिल्ड। हमने इसको आधा भर दिया है, और अब इसके अंदर तीन प्लांट हमारे ये हैं जो हमने कटिंग से किए हैं जी तैयार। बाकी आप देख सकते हैं कुछ प्लांट हमारे हैं जी, ठीक है जी। हम 6 प्लांट लगाएंगे जी इसके अंदर, तो 3 हम और सेलेक्ट कर लेते हैं जो अच्छे खासे डेवलप हो गए। एक तो ये भी डेवलप हो गया है जी बढ़िया, ठीक है, और आप अब देखेंगे ये भी डेवलप हो गया है जी ठीक ठाक, ठीक है, और एक हम ले लेंगे जी। तो 6 प्लांट लगाएंगे जी हम उसके अंदर अपने, 6 प्लांट हो गए हैं जी सिलेक्ट, ठीक है। 2 2 प्लांट हम लगाएंगे, 2 यहाँ लगाएंगे, 2 यहाँ और 2 यहाँ, ठीक है, बीच में नहीं लगाएंगे हम। 2 प्लांट हमारे लग गए, 2 ये लगा दिए, 4 हो गए। आप ये देखिए जी जड़ें कितनी अच्छी खूबसूरत बनी है जी। कटिंग से आप लगाएं सिर्फ, आप कटिंग अगर यही कटिंग आप इसके अंदर लगा देंगे तो ये भी दोबारा से ग्रो हो जाएगी। आपका बड़ा प्लांट हो गया, आपकी कटिंग से उसको आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं जी ग्रो। 100% का होता है जी रिज़ल्ट, आपकी सारी कटिंग होंगी जी सक्सेस, और मार्च के महीने के अंदर, ठीक है, और अप्रैल के महीने के अंदर भी आप इसी कटिंग को इजीली ग्रो कर सकते हैं। और 6 के 6 हमारे लग गए। अब हम इसके अंदर भर देंगे जी मिट्टी। मिट्टी हमारी भर गई है, अब इसके अंदर डाल देंगे जी हम पानी। अच्छी तरीके से पानी आपको इसके अंदर डाल देना है। टाइम से डाल रहे हैं क्योंकि कुछ एयर गैप है, वो उसके थोड़े से प्रेशर से ये सब हो जाएंगे जी बिल्कुल सेट। तो आपको ऐसे पानी डाल के इसको छाई के अंदर रख देना है, ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। 2-3 दिन आप इसको छाई के अंदर रखें, उसके बाद आप उसको फुल सनलाइट के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि गर्मी का पौधा है और मई जून के अंदर आएंगे इसके अंदर छोटे छोटे से खूबसूरत से प्यारे से फूल। बेबी सनरोज़ का एक टॉवर यानी कि वर्टिकल गार्डनिंग का एक नया एडिशन हम कर रहे हैं जी क्रिएट। ये हमने सारे जितने प्लांट आपको दिख रहे हैं ये कटिंग से लगाए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं 2 कटिंग यहाँ लगी हैं, 2 कटिंग यहाँ लगी हुई हैं, ठीक है जी, और 2 ही कटिंग आप देख सकते हैं यहाँ, ठीक है जी। 6 लेयर का हम बनाएंगे जी, 2 लेयर हमने रेडी कर दिए हैं जी, ठीक है जी। 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, ठीक है जी। 1 टावर 1 लेयर हमने ये बना दिया है जी, 1 टेयर इसका, ठीक है। ये हमने सैम्पलिंग लगा रखी थी जी कटिंग हैंगिंग अपने गार्डन के अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा हैंगिंग गार्डन, ठीक है। वक्त रहते हम इसके अंदर से निकालते रहते हैं जी, जो हमारी टहनी मैच्योर हो जाती है उसके अंदर ग्रोथ बन जाती है, तो हम उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं जी अदर पॉट्स के अंदर, ठीक है। तो 3 लेयर हो गई जी हमारी तैयार, 1 लेयर ये रही 1 लेयर ये रही 1 लेयर ये रही, और ये हैंगिंग पॉट है। हैंगिंग मतलब ये बजा ऊपर जाने के नीचे लटकता है, और जब नीचे लटकेगा तो जाहिर सी बात है खूबसूरत ये नज़र आएगा। उसके ऊपर आप देख सकते हैं खूबसूरत सा एक रेड कलर का फूल भी आता है गर्मियों के अंदर। हो गई है जी तैयार, देख रहे हैं आप। 4th लेयर के अंदर हमने थोड़े बड़े प्लांट लगाए हैं जी ये अपने बेबी सनरोज़ के, ठीक है, और जो वक्त रहते आप देखेंगे बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे नीचे,